आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी माय मोस्ट फेवरेट सेल्फ केयर रूटीन जो मैं हेयर एंड स्किन के लिए करती हूँ, जो आपको भी जरूर जरूर करना चाहिए। क्या आपने कभी मुल्तानी मिट्टी और मिल्क को एक साथ इस्तेमाल करके देखा है? ट्रस्ट मी दोस्तों, ये दोनों एक साथ अमेजिंग वर्क करती है। तो हमें इसके लिए सबसे पहले 2 चम्मच कड़ी मुल्तानी मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा दूध यानी कि मिल्क ऐड कर देना है। अब अच्छे से दोनों को मिला लो एंड टडा, ये देखो कितना प्यारा सा ठीक पेस्ट बन गई है हमारा। आप इसको अपने फेस पर, बॉडी पर इस्तेमाल कर सकते हो एज ए नेचुरल क्लींजर की तरह। बस आपको इसको लेकर अपने स्किन को मसाज करना है कुछ देर तक। मैं करीब 2 से 3 मिनट तक मसाज करती हूँ और उसके बाद ठंडे ठंडे पानी से मैं अपने बॉडी को या फिर फेस को वॉश कर लेती हूँ। एंड उसके बाद फिर आप कमाल देखना, स्किन कितना ज्यादा क्लीन दिखेगा, कितना ज्यादा इंस्टेंट ब्राइट एंड ग्लो भी करने लगेगा। नेक्स्ट है अंडरआर्म्स केयर। दोस्तों डार्क अंडरआर्म्स एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ना, मतलब इसके वजह से कभी कभी हम अपने मन पसंद के स्लीवलेस कपड़े भी पहन नहीं पाते हैं। तो इस डार्क अंडरआर्म्स से इजीली छुटकारा पाने के लिए आप इस 2 सिंपल रेमेडी को फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहला जो रेमेडी है उसके लिए आपको लेना है एक टमाटर, जिसको इस तरह से बीच में से कट कर लो और उसके ऊपर थोड़ा सा कस्तूरी हल्दी पाउडर ऐड कर दो। और फिर नेक्स्ट हमें इसके ऊपर डालना है थोड़ा सा शुगर यानी की चीनी। अब इनको लेकर हमें अपने डार्क अंडरआर्म्स को स्क्रब करना होगा। तो करीब 3 से 4 मिनट तक स्क्रब हम कर लेंगे, उसके बाद इसको क्लीन करके हमें सेकंड स्टेप करना होगा, जिसके लिए हमें चाहिए मुल्तानी मिट्टी। फिर उसके अंदर डाल दो थोड़ा सा दही और रोज वाटर। फिर इसको मिलाने के बाद ये जो मिक्सचर बनेगा इसके अंदर हमें डिप कर देना है 2 कॉटन पैड को, और कॉटन पैड को इस तरह से डिप करके हमें अंडरआर्म्स पर इसको अप्लाई कर लेना है पहले, और इस तरह से कॉटन पैड को एंड में चिपका देना है। इस तरह से इसे अप्लाई करके हमें 15 मिनट के लिए एटलीस्ट छोड़ देना है और उसके बाद अंडरआर्म्स को क्लीन कर लो। दोस्तों मैं जिस तरह से नेचुरल रेमेडी रिलेटेड नॉलेज आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ, ठीक उसी तरह की एक अमेजिंग नॉलेजेबल प्लेटफॉर्म है कुकुएफएम। जैसे कहते हैं स्किन केयर डिकोड, एक ऐसी बुक समरी है जहाँ पर आप सुन सकते हो द प्रैक्टिकल गाइड टू ब्यूटीफुल स्किन हिंदी में। ऐसे ही ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल ऑडियो बुक आपको मिलेगी कुकुएफएम पर, जहाँ पर ऐसे आप ढेर सारे बायोग्राफी और इन्फॉर्मेटिव ऑडियो बुक सुन सकते हो। कुकुएफएम इज इंडिया लीडिंग ऑडियो शोज प्लेटफॉर्म है जो 4.5+ रेटिंग के साथ, जिसमें 4,000+ ऑडियो लाइब्रेरी ऑफ नॉन फिक्शन कंटेंट है। आमतौर पर इसका साल भर का प्राइस होता है 399 रुपीज, पर अभी चल रहा है स्पेशल डिस्काउंट जहां पर फर्स्ट 250 यूजर को एक्सक्लूसिव 50% डिस्काउंट मिलेगी STS50 कूपन कोड को इस्तेमाल करने से, और जो कि होगा ओनली 199 रुपीज पूरे साल भर के लिए। इसकी सबसे खास बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो है यहाँ पर आप किसी भी ऑडियो बुक को सुन सकते हो अपनी रीजनल लैंग्वेज में। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, तो जरूर इन्हें डाउनलोड करें और आप भी मेरी तरह एंजॉय करें ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव ऑडियो बुक को अपनी खुद की लैंग्वेज में। नंबर 3 में आता है अनदर मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, दैट इज डार्क सर्कल्स। सबसे पहले आपको लेना है एक क्यूकम्बर, जिसको आपको ग्रेट कर लेना है पहले। फिर इसको एक ग्राइंडर में डाल दो और अच्छे से इनका पेस्ट बना लो। पेस्ट बनने के बाद इसको एक बोल में निकाल लो और फिर इसके अंदर डाल दो 1 चम्मच एलोवेरा जेल को और 2 से 3 चुटकी कस्तूरी हल्दी पाउडर। फिर इनको अच्छे से मिक्स कर लो। तो अब हमें लेना है एक कॉटन पैड, जिसको इस तरह से हमें पहले कट कर लेना है। फिर इसको लेकर इस पेस्ट के अंदर डिप कर देना है। फिर इस ठंडी ठंडी आई मास्क को लेकर अंडर आई एरिया पर लगा लो। देखना इसको लगाने से कितना ज्यादा रिलैक्सिंग फील होगा। ऐसा हफ्ते में 2 से 3 बार करके आप फॉलो कर सकते हो। ये रेमेडी बहुत ही अमेजिंग है, इसे अगर आप कंटिन्यू करते रहोगे ना तो देखना धीरे धीरे जो आपके डार्क सर्कल्स के प्रॉब्लम है वो कम्प्लीटली चला जाएंगे। तो नंबर 4 में आता है लॉन्ग हेल्दी थिक हेयर। तो इसके लिए एक बढ़िया सा होम रेमेडी है जिसे मैं हमेशा फॉलो करते रहते हूँ, तो आप भी फॉलो कर सकते हो। जिसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 से 4 चम्मच ब्लैक सीड लेना है यानी कि कलौंजी लेना है। फिर इनको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है और फिर उसके बाद इसको ठंडा करके इनको एक मिक्सचर ग्राइंडर में डालकर इनका पाउडर बना लेना है। अब पाउडर बनने के बाद इसको एक बोल में निकाल लो और फिर इसके अंदर डाल दो थोड़ा सा गर्म पानी। अब ये जो ब्लैक सीड का मिक्सचर बनेगा ना, इसको आपको अपने स्कैल्प पर लगाकर स्कैल्प को मसाज करना होगा, और मसाज हो जाने के बाद इसे आधे घंटे के लिए बालों में इस तरह से छोड़ दो और फिर आधे घंटे बाद शैम्पू एंड कंडीशनर से बालों को अच्छे से वॉश कर लो। इसे आप ऐसे हफ्ते में एक बार करके अप्लाई कर सकते हो बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए। तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ फेवरेट सी सेल्फ केयर टिप्स। तो आप इनमें से कौन सा हैक ट्राई करना चाहोगे मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना।